आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जीत चोर की, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। वास्तव में ये कहां की घटना है, किसने लिखा, क्यों लिखा, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में खंसौर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। चोरों ने एक बाइक शोरूम से बाइक और 50,000 रुपए नगद चुरा लिए। इस तरीके के आरोप दुकान के संचालक के द्वारा लगाए गए हैं। कंसौर ब्लॉक में चोरों ने बाइक शोरूम का ताला तोड़ा, एक बाइक और 50,000 रुपए नगद चुरा लिए। जाते समय ऐसा कहा जा रहा है शोरूम के शटर पर जीत चोर की लिख भी दिया। जब सवेरे शोरूम के मालिक ने देखा तो शोरूम उसे पाया कि शोरूम का ताला टूटा हुआ था। इसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। गंसौर थाना प्रभारी डोमन सिंह मरावी के अनुसार सूचना मिली थी कि शटर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की है। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे एक बात हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पुलिस, कोतवाली हो या अन्य थाना पुलिस, इस समय मीडिया की सुर्खियों में है। पिछले एक महीने के अगर आप अखबार या सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा डाले गए पोस्ट देख लें तो उसमें किसी न किसी थाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए आपको नजर आएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। कोतवाली थाना हो, डोंडा सिवनी थाना हो, चाहे कानीवाड़ा, केवलारी, लखनादौन, कंसौर, किसी भी थाने पर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं वास्तव में चिंता की बात मानी जा सकती है। पुलिस का काम, पुलिस का दायित्व जानमाल की रक्षा का है। और एक बात और पुलिस सूत्रों के द्वारा बताई गई कि जिन भी कर्मचारी अधिकारियों के तबादले पूर्व में पुलिस अधीक्षक के द्वारा, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के द्वारा किए गए थे, उनके तबादले निरस्त तो नहीं किए गए, उन्हें रिलीव नहीं किया गया, उन्हें पदमुक्त नहीं किया, भार मुक्त नहीं किया गया है। नवागत पुलिस अधीक्षक के द्वारा कसावट की जाएगी, इस तरीके की चर्चाएं थी। और उनके द्वारा प्रभार ग्रहण करने के बाद यातायात, बिगड़ैल यातायात पटरी पर नहीं आ सका है। जिला मुख्यालय में भी अराजक तत्वों का बोलबाला है। चौक चौराहों पर जहां तहां रात में आप देख सकते हैं मई जदे घूमते नजर आते हैं। महिलाएं डरी सहमी सी नजर आती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। समाचार एजेंसी पीडीएक्स आई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आइए सुनते हैं संचालक का, दुकान संचालक का, टीवीएस रूम संचालक का। क्या चोरी हुआ है भैया? मेरा नाम पिंटू यादव है, संचालक हूँ, है ना। अभी मेरे पास से इन्होंने एक जुपिटर लेके गए हैं और 50,000 रुपए नकदी कैश रखा हुआ था काउंटर में, वो लेके गए हैं। और पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, पूरा चाबी वगैरह सब रखी गाड़ी। उन्होंने कोशिश, कितनी दुकान के ताला तोड़े उन लोगों ने जी? कितनी दुकानों के ताला तोड़े इन्होंने? दो दुकानों के ताला तोड़े हुए हैं, एक मेरी दुकान की और एक मेरे बाजू वाले की। फाइल में आग लगाई और फाइलों में आगे लगाए हुए हैं। सुना आपने क्या कहना था टीवीएस शोरूम के संचालक का। और हम आपको बता रहे थे, दरअसल सिवनी में कसावट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। जितने भी थाना प्रभारी हैं उन थाना प्रभारियों की कार्यप्रणाली की एक समीक्षा करने की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही। और फिलहाल देखा जा रहा है, जो पिछले एक डेढ़ दशक से देखने में सामने आ रहा है, कि पुलिस का सूचना संकलन बहुत कमज़ोर स्थिति में आ गया, सड़ांध मारने लगा है। लोग कहते हैं, पुलिस के सूत्र भी ये बात कहते हैं कि पुलिस का सूचना संगठन सड़ांध मारता नज़र आ रहा है। टॉप टू बॉटम बदलाव की ज़रूरत महसूस हो रही है। पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि वे एक बार पूरे जिलों के थाना बलों की समीक्षा करें और उसके बाद उनके तबादले यहां से वहां जरूर करें। अराजकता की स्थिति पैदा हो इसके पहले नियंत्रण करने की बहुत ज़रूरत है। सिवनी में सफ़ेद पाउडर, जो सूखा नशा बहुत आयत में होने की खबरें जबरदस्त तरीके से हैं, शराब खुले तौर पर बिकती नज़र आती है गांव-गांव, चौक चौराहों पर, चाहे जहां आप देख लें, मैजदे बैठे देखते हैं।
पुलिस का क्या दायित्व है ये समझाने की शायद जरूरत पुलिस को महसूस हो रही है। वरिष्ठ अधिकारी इस बारे में जरूर ध्यान देंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साथ न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।